मैं इस वक्त यमुना के आईटीओ बैराज पर मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं कि यमुना नदी का ये आईटीओ बैराज है। ये जो यमुना नदी है इस पर तीन बैराज बने हुए हैं। एक पहला बैराज है वज़ीराबाद, जो इससे पहले है, जब यमुना इंटर करती है दिल्ली के अंदर, तो वज़ीराबाद का जो बैराज है उसका मेंटेनेंस दिल्ली सरकार के पास में है। दूसरा आईटीओ, ये जिस बैराज पर हम खड़े हैं, ये जो बैराज है इसका मेंटेनेंस हरियाणा सरकार के पास में है। और एक तीसरा ओखला बैराज है जिसका मेंटेनेंस उत्तर प्रदेश के पास में है, सरकार के पास में है। तो ये जो आईटीओ बैराज है इसके पांच गेट जो है वो बाढ़ की वजह से जाम हो गए थे, यानी गाद बहुत आ गया था, उसके वजह से यमुना नदी का जो पूरा पानी है पूरे फ्लो के साथ में नहीं निकल पा रहा था। अब जो है वो दो दिनों से लगातार जब चीज़ें नहीं संभली तो फिर आर्मी को बुलाना पड़ा, नेवी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब उन्होंने दो दिन, क्योंकि उनके गोताखोर नीचे जाकर और उसके बाद में जहाँ पर ये गेट है लोहे का वहाँ चूँकि गाद जमी है तो उसको पहले हटा रहे हैं, उसके बाद में जब वो थोड़ा उसका वजन जो है वो हल्का होता है तब उसको बाहर खींचा जाता है। तो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ये, बहुत ही जो है वो जटिल काम करने की प्रक्रिया है। तो ऐसे में वक्त तो लग रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि एक गेट अभी खुल चुका है और चार गेटों पर काम चल रहा है। लेकिन अभी जो मैंने तस्वीर देखी है तो वो देखकर मैं हैरान रह गया कि अभी उस गेट के गात के सफाई का काम चल रहा है। तो बहुत ही, चूँकि यमुना में बाढ़ आई हुई है, पानी के अंदर उस सफाई को करना है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा श्रमिक आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि एक गेट आप देखिए ये खुल चुका है, ये जिस गेट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर गात को हटाने का जो काम है वो आप देखिए कि अभी ख़त्म हुआ है, गात को हटा दिया गया है, गेट ये दिख रहा है और अभी जो है वो पानी यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दिल्ली के तमाम सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी जल भराव है, कई सारे ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। आईटीओ से अभी हम लोग होकर आए हैं, आईटीओ पर भी तकरीबन एक से डेढ़ फीट अभी पानी भरा हुआ है, उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। आईटीओ एक प्रमुख ट्रैफिक जंक्शन है क्योंकि मध्य दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली को जोड़ता है, यमुना पार के लाखों लोगों को वो जोड़ता है। तो एक आईटीओ जो है वो बहुत ही व्यस्ततम आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक जंक्शन चौराहा है, तो उसके बंद होने से तमाम सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अब चूँकि ये बाढ़ का पानी है तो ऐसे में दिक्कत तो होगी ही। अब चाहिए दिल्ली सरकार को, नगर निगम को, कि एक साथ बैठकर बहुत ही मुस्तैदी के साथ में काम करें, क्योंकि आने वाले समय में चुनौतियां स्वच्छ पानी पीने के मुहैया कराने की है, जहां जहां पर गंदगी है उसको साफ़ सफाई की है, क्योंकि उससे बीमारियों के फैलने का भी खतरा रहता है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।